माँ की उंगली पकड़कर हर बच्चा चलकर खड़ा होना सीखता है। माँ के आंचल में छिपना, माँ के गोदी में सर रखकर सोना हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। अपने दिल के टुकड़े की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए माँ न जाने क्या क्या करती है। निस्वार्थ होकर अपना पूरा जीवन अपने बच्चे पर न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटती। आज आपको डे आउट में एक ऐसे ही माँ और बेटे की कहानी सुनाएंगे। ये है शहबान अजीम। वैसे अगर शहबान की बात करें तो हर कोई शहबान को इन दिनों दीवाना कहकर पुकारता है। इनके बारे में खूब सारी गॉसिप भी होती है, लेकिन शहबान की दीवानगी है पेंटिंग, जो उन्हें माँ पापा से विरासत में मिली है। दिखाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं शूट से वापस आया था, सिलसिला का शूट चल रहा था मेरा, उससे वापस आया था। भाई ने कहा तो ये बाल कब कटवा रहे हो? मैंने कहा कटवा दूंगा। तो उसने 10 मिनट में ये हाथ से के रुको अच्छा ये फ्रेम लेके बैठा था, तो ये मेरी एक ऐसा स्केच किया और ये मैंने जब से बना दी उसने। मैं अपने अपनी फेवरेट पेंटिंग दिखाता हूँ। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ये पेड़ देख रहे हैं और इस पेड़ का आकार देख रहे हैं, तो एक औरत का है जो कि नर्चरर है जो, और अगर आप उसको मेटाफोरिकली लें तो फिर एक औरत जो है वो ही एक दुनिया की नर्चरर है, जो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर भगवान है तो वो औरत के रूप में ही होगा तो ऐसा लगता है मुझे कई बार। ये मुझे इसके अंदर से जो लाइट आती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। इनको मैं देखता रहता हूँ घर आके और मुझे इनसे काफ़ी सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि अगले दिन मैं रेडी होता हूँ काम करने के लिए। मेरा ज्ञान कल्चर का और लिखने का और बातें बनाने का वो सब मैंने यहाँ से सीखा है, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बड़ी राइटर हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं, तो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने अम्मा से। वो मेरी अम्मा से पूछो कि मेरे बारे में वो कुछ बताएंगे। मेरा ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर लेकर आए थे, ट्रांसफर हुआ था यहाँ पे, तो मैंने कहा ट्रांसफर ले लेता हूँ, मैं जॉब के साथ ही जाता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा। फिर उनको पता चला किसी ने पॉकेट मार लिया और किसी ने ये कर लिया और ये हो गया। अब ये जब उसके बाद दिल्ली पहुंचे तो इनका तो स्टाइल ही बदला हुआ, कोनी बंदी हुई यूं और ये अपना अलग ही नक्शे। तो मैंने फौरन बड़े वाले भाई को फोन किया कि भाई ये क्या किया तुमने इसका, यहाँ ये क्या करके भेजा है तुमने इसको, ये क्यों क्या हुआ? मैंने कहा ये क्या इसका तो रंग रूप ही बदल गया। तो कहना अरे अम्मा क्या इतना तो स्मार्ट लग रहा है भाई हमारा और आप ऐसे कह रही हैं, अरे क्या फर्स्ट क्लास क्या मॉडलिंग कर रहा है वो आपको नहीं पता है? मैंने कहा है तो मतलब जॉब आप क्या हुआ पता चला सब छोड़ छाड़ के वो तो और मॉडलिंग में लगे हो, प्रिंट कर रहे हैं अपना और लिवाइस जीन्स के मॉडल बने हुए हैं। मुझे ये लगा था कि माँ और बाप जो बहुत सारी चीजें अपने अंदर रखे हुए होते हैं और नहीं जी पाते हैं तो वो उनकी औलादें जीती हैं, तो मेरे अंदर कहीं कोई किसी जगह एक एक्टर छुपा हुआ था तो वो इसकी शक्ल में बाहर निकला है। मुझे बहुत खुशी हुई थी और अभी भी मेरी सारी ख्वाहिशात अच्छी वाली फीलिंग्स और दुआएं इसके साथ। ये मेरे फादर के ऊपर बुक है एक, इसमें थोड़ी सी उनका काम है, उनका टेक्निकल वर्क है जो कि उन्होंने किया है, जो जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं को दिखाता हूँ। ये बहुत ही बारीक हैं और बहुत ध्यान से देखे हैं मुझे। ये कामरान है मेरे बड़े भाई, जिनको देख के मैंने सब कुछ सीखा है और जिनसे सीख कर मैं सब कुछ करता हूँ यहाँ पर, और जो भी करता हूँ एक्चुअली एडवाइस लेता हूँ पहले, ऐसा करूँ नहीं करूँ, ऐसा करूँ नहीं करूँ, तो कामरान बोलता है साहबान तो पागल हो क्या कर रहे ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो जो बड़े चार है ना उनका जो सबका मिक्स है वो ये लगता है मेरे जैसा है, पेंटिंग मेरे भाई जैसी करता है और क्रिएटिविटी और सब कुछ, बॉडी वॉडी वो सब छोटे वालों जैसी है, तो सब कुछ सबका मिला के चार का मिला के जो एक बनाया वो ये बनाया। दिल्ली से आई है शहबान की मम्मी अपने लाडले के साथ कुछ दिन बिताने के लिए। मम्मी के एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच लाडले हैं जो घर में राज करते हैं एकदम राजकुमारों की तरह।
अब मम्मी जी आपके पास 5-5 राजकुमार हैं, जरा बताइए इनके लिए आपको राजकुमारी कैसी चाहिए। अम्मा को हमेशा पता होता था, मेरे स्कूल में जो गर्लफ्रेंड थी तो मैं अम्मा को पता होता था, वैसे नहीं भी पता होता था, अम्मा को अंदाजा रहता था कि कौन कहाँ। एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी होते हैं, ऐसा कहने की आखिर शहबान को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जेनिफर और शहबान को लेकर कई खबरें आ रही थी जिसके बारे में शहबान ने खुद हमें बताया। तो उनसे कुछ छुपावा वैसे भी नहीं है, तो उनको हमेशा मतलब क्लियर करने की भी जरूरत नहीं होती है कि कुछ चल रहा है या कुछ नहीं चल रहा है, उनको पहले से पता होता है। तो मुझे लगता है मेरी अम्मा को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, बस एक फ़ोन कॉल ज़रूर किया था उन्होंने मुझसे पूछने के लिए, और दो आई थिंक आधा मिनट भी बात नहीं हुई होगी, और फिर बस पता लग गया कि हाँ र्यूमर है। यार मेरी दिल मिल गए से दोस्ती है, दिल मिल गए के बाद हमारी सबकी मतलब मेरी जेनी की, मेरी करण वाही की, मेरी प्रतीक की, अनिरुद्ध जो हमारा डायरेक्टर है उसकी, हम सबका आपस का एक ग्रुप है। तो वो जब ही बन गया था जब से वो साथ है ग्रुप, तो सभी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और अफवाह सुन के हम भी हंस रहे थे और लोग भी हंस रहे थे, हमारा पूरा ग्रुप भी हंस रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, ठीक है चलो होने दो। जितना बड़ा परिवार रिश्ते भी उतने अटूट होते हैं, और ये बात आप साफ साफ देख सकते हैं शहबान के परिवार में। बस कुछ नहीं, हमने कुछ कलर्स लिए और साथ में मिलके जो बना वो बना दिया, बहुत मजा आया। आप देखिए आपको कैसा लगता है। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।